क्या किसी को देखकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी? क्या किसी की आंखों ने आपको जीत लिया था? क्या किसी की अदाओं ने आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था? और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ इस तरीके की बातें हो गई, कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई कि सब कुछ रुक गया, थम गया। और आप जानने की कोशिश करना चाहते हो कि क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा, क्या आपका रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा, और क्या है आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स, क्या सोचते हैं वो अभी आपके लिए। सो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपके विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लिखेंगे नहीं तो पूरी कैसे होगी? सो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपकी विशेस, आप क्या चाहते हैं आपकी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, फटाफट से जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अपने सेशंस को बुक करवाइए। एंड प्लीज़ पर्सनल सेशन की बुकिंग्स पेड होती हैं, ओके? तभी आप लोग प्लीज़ वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, ओके? ओनली मैसेजेस आर अलाउड, फ़ोन मत कीजिएगा, फ़ोन हम पिक नहीं कर पाते हैं। तो चलिए एक प्रेयर के साथ इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। सो आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या है व्यूअर्स की लाइफ में। सो कुछ पहले चेक करेंगे आपकी एनर्जीज, फिर दूसरे डेक से देखेंगे हम आपके पार्टनर की एनर्जीज। क्लिंगिंग टू द पास्ट। सो क्लिंगिंग टू द पास्ट का सबसे पहला यहाँ पर कार्ड निकल के आया है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्कवीन, वृश्चिक राशि आई है, ओके? सो ट्रस्ट आया है, कंडीशनिंग भी यहाँ पर आ चुकी है, ब्यूटीफुल कार्ड। आपकी एनर्जीज फाइटिंग भी आ गया है, द ड्रीम आया है, कंपैरिजन। सो चलिए क्लियर करते हैं आपकी एनर्जीज। देखो, आप में से कई लोग ऐसे हैं ना जिनके पास्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसने ना आपको पास्ट में ही रोक रखा है, पास्ट में ही आप अटक के रह गए हो। आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आपने आपके दिमाग से ना ये पास्ट का बोझ, पास्ट का दर्द, पास्ट की तकलीफ जा नहीं पा रही है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो उसको निकालने की, लेकिन नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया किसी के ऊपर, बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया किसी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अपने पार्टनर ने ही आपके इस भरोसे को तोड़ दिया है, ठीक है? इतना भरोसा करने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि कोई कैसे छोड़ करके जा सकता है, सब कुछ करने के बाद भी कैसे कोई यहाँ से इस रिलेशन से निकल सकता है। सो यहाँ पर फाइटिंग हुई है आप दोनों के बीच में, झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, कुछ इस तरीके की बातें आपने भी बोली हैं और आपके पार्टनर ने भी बोली हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तू तू मैं हुई है, किसी ने किसी को छोड़ा नहीं है, ठीक है? अगर उन्होंने आपसे कुछ बोला है तो आपने भी कुछ ज़रूर बोला है, और अगर आपने बोला है तो उन्होंने भी पलट करके ज़रूर कुछ ना कुछ आपको उल्टा उस तरीके का जवाब दिया है जो शायद बर्दाश्त के बाहर था। तो कुछ यहाँ फाइटिंग एनर्जीज भी आ रही हैं, ठीक है? एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको किसी के साथ कंपेयर किया है कि तुम ऐसे, तुम वो, देखो उसको, उसकी गर्लफ्रेंड देखो, ज़रा उसका बॉयफ्रेंड देखो, ज़रा उसका हस्बैंड देखो, ज़रा उसकी वाइफ देखो। तो इस तरह की ना कंपैरिजन आपसे की गई है किसी के साथ, जो कि अगेन आपको बर्दाश्त नहीं हुआ है कि मतलब मेरा क्या कंपैरिजन, मेरे को क्यों कंपेयर किया जाता है किसी और के साथ। तो इस तरीके का एक मेंटल टॉर्चर आपको ज़रूर दिया गया है,
भले ही आपके अंदर कितनी भी क्वालिटीज़ हों, लेकिन जब कंपैरिजन किया जाता होगा तो आपको कहीं ना कहीं सामने वाले से नीचा ही दिखाया जाता होगा। सो ये काफ़ी कुछ यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जीज़ निकल कर के आ रही हैं। आपके आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत बहुत सपने देखे थे, लेकिन यहाँ पर आपके सपनों को रोक दिया गया है ना, आपके सपनों को पूरा नहीं होने दिया गया है। और ये जो आपके ड्रीम्स हैं ना, कहीं ना कहीं इस ड्रीम में अगर ये पार्टनर रहा है आपका, तो यही ड्रीम कहीं ना कहीं आपको आज भी पास्ट में ही अटका के रखता है कि मतलब सपने में भी आपने हमेशा इसका साथ ही देखा, सपने में भी आपने हमेशा इसको ही मांगा होगा, अपनी प्रेयर्स में भी आपने इस पार्टनर को ही मांगा होगा। तो ड्रीम्स जो है ना, आज भी आपको सपने उसी के आते हैं, ठीक है। आप चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हो यहाँ से बाहर, लेकिन अभी गाइडेंस क्या बोल रही है, गाइडेंस ये बोल रही है कि आपको ना अभी कंडीशनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी प्लीज़ कंडीशनिंग कीजिए, अपने को प्रॉपरली इस सब सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ स्ट्रगल आ रहा है। आपकी लाइफ आपने ज़बरदस्ती स्ट्रगलिंग बना दी है, और आप औरों जैसे नहीं हो, ठीक है। आप अलग हो, सो अलग ही बने रहो, राइट। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं पता है कि आप औरों से अलग हो, ठीक है, आप बाकियों जैसे नहीं हो, राइट। और वही चीज़ आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही थी पास्ट में। एंड आपके आपको जो सपने आ रहे हैं ना आपके पार्टनर के बारे में, वो कहीं ना कहीं आपको दुखी कर जा रहे हैं, परेशान करके जा रहे हैं, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करें, राइट। सो चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं यहाँ पर। प्लीज़ व्यूअर्स, पार्टनर की एनर्जीज़, थ्री ऑफ कप्स, ओके, थ्री ऑफ कप्स, द सन, ओके, द सन, द वर्ल्ड, ओके, द एम्प्रेस का कार्ड आया है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ आया है सिक्स ऑफ कप्स, ओके, नाइन ऑफ कप्स, ठीक है, एक्शन, एट ऑफ वॉन्ड, एक्शन नाम लेते ही एट ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, वाओ, राशियाँ सारी ही आ गई हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, वाओ, किंग ऑफ कप्स। सो ये आए हैं आपके पार्टनर के इमोशंस, देख लीजिए ज़रा क्या आ रहे हैं। सो यहाँ पर आपके पार्टनर, आप में से कुछ लोग के ऐसे हैं जिनकी लाइफ में, जिनके आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और इस थर्ड पार्टी के सिचुएशन के चलते ही आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस लिया है, ठीक है। वही चीज़ कहीं ना कहीं आपको अब परेशान कर रही है, और ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है ना, उसमें आपके पार्टनर ने ना बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर इन्वॉल्व हो गए थे स्टार्टिंग में, लेकिन अब यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की ना चीज़ें बदल रही हैं, अब इनका ध्यान बदल रहा है, अब इनका मन कहीं और नहीं लग रहा है, ठीक है। ये जिस भी सिचुएशन में अभी हैं, कहीं ना कहीं ये पास्ट के ख्यालों में बैठे हुए हैं, और अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी ना, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी ये बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें इनके दिमाग में अभी चल रही है। अगर यहाँ बात करें कि क्या है उनके दिल में, तो देखो आप में से कई लोगों के पास ना पेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। डॉग्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती हैं, कैट्स हो सकती हैं, इवन फिशेस भी आप में से कई लोगों की उसमें हो सकती हैं घरों में, टॉर्टोइज हो सकता है आप में से कुछ लोगों के घरों में, ठीक है। एंड आपका आप में से कई लोगों का जो घर है वो कहीं वाटर एलिमेंट के आसपास है, ठीक है, या तो सी के आसपास है या रिवर के आसपास है, ठीक है। इस तरीके की कुछ डेस्टिनेशंस मुझे दिखाई दे रही हैं, एंड आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आपके पार्टनर अगर मेल है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, और अगर फीमेल है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। उनका इमेज जो है ना, उनका जो एक उनका एक जो ख्याल है ना, वो ही आपको इतना बेताब कर देता है, बेचैन कर देता है, कि कहीं ना कहीं चीज़ें ना आपके दिमाग से जा नहीं रही हैं। और अगर मैं यहाँ आपके पर्सन की बात बोलूँ, तो आपके पर्सन को भी ना बिल्कुल यहाँ पर आपके बारे में ही सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
एंड देखो आपकी जो ब्यूटी है ना वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। अब उनको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई आपका आपका जो एक ऑरा है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि अब वो इसके बिना नहीं रह पा रहे हैं। चीज़ें बदलती जा रही हैं, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो पहले से, ये भी चीज़ें इनको पता है। पहले भी स्ट्रांग थे लेकिन अब आपने अपने को ज़्यादा ग्रूम कर लिया है, अब आपने अपने को ज़्यादा स्ट्रांग कर लिया है, आप बिल्कुल अब औरों जैसे बचे नहीं हो, ठीक है। और ये आपके पार्टनर को पता है कि औरों से कई गुना ज़्यादा आप स्ट्रांग हो, है ना। आप बहुत स्पेशल हो, आपके जैसा ढूंढने से भी इनको नहीं मिलेगा, ये इनको अब चीज़ें समझ में आ रही है। आप हमेशा खुश रहते हो, जिस भी सिचुएशन में रहते हो आप खुश रहते हो और आपको अच्छा लगता है नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ें करना। आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। एंड आप लोगों में से कई लोग ना के पास फाइनेंसेस भी अच्छे हैं, पैसे भी अच्छे हैं, ग्रोथ भी अच्छी है। आप लोगों में से कई लोग वर्किंग हैं, ठीक है, काम करते हैं और अपने लिए अच्छा खासा अर्निंग भी कर लेते हैं, इसलिए आपको पैसों को लेकर कोई परेशानी नहीं होती है। और आपके पार्टनर को ये भी चीज़ पता है कि ऑल्दो क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आप ना उसके बावजूद भी आप बहुत केयरिंग नेचर के हो, ऐसा कोई घमंड आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर कोई भी बनावटी चीज़ नहीं है, आप बहुत बहुत ही लॉयल हो आप। एंड रिलेशनशिप को आपने हमेशा से एक सक्सेसफुली चलाया है, ठीक है, और बहुत इंटेलिजेंटली चलाया है। सो अगर मैं बात करूँ आज आपके पार्टनर, तो आपका इनर ब्यूटी बहुत ज़्यादा उनको याद आ रही है, आपका केयरिंग नेचर उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको पता है कि उनको हर तरीके से आपने प्रोटेक्शन दी है, उनको हर तरीके से आपने प्रोटेक्ट किया है, एंड आपने हमेशा उनको अपनी दुनिया ही माना। ये चीज़ आपके पर्सन को आज रियलाइज़ हो रही है। सो आज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार इनके दिल में निकल करके आ रहा है। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली चीज़ें फ़्लो हो रही हैं। अगर आपने मैनिफेस्ट किया होगा तो यहाँ पर यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में कुछ बदलाव करने शुरू किए हैं। एंड ये जो भी आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना, ये आपकी तरफ इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं आपके पार्टनर की लाइफ में जो कि काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। अब आपके पार्टनर ना कुछ भी करके, सब कुछ छोड़ करके यहाँ से इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। अगर वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो बहुत जल्द यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन अगर किसी और रीज़न से अगर आपके पार्टनर ने आपको डिस्टेंस मेंटेन किया है, आपसे दूर हो गए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके इमोशंस हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए प्यार है, ठीक है। पैसा वगैरह सब ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी उनकी लाइफ में आप हो रहे हो। सो बहुत जल्द आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत जल्द आपके साथ बात करना चाहते हैं। अभी भी स्टॉक कर रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, सब जगह नज़रें रहती हैं उनकी, सोशल मीडिया पे, आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे, चैट पे, सब जगह जहाँ जहाँ भी है, ठीक है, वहाँ वहाँ सब जगह आपको स्टॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आपको मांगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मैनिफेस्टेशंस में भी आप ही अभी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके बारे में ही सोच रहे हैं। एंड एक रीयूनियन चाहते हैं, तो रीयूनियन आप लोग भी चाहते हैं तो लिखिएगा ज़रूर रीयूनियन। न्यू पार्टनर चाहते हैं तो लिखिएगा न्यू पार्टनर। और अगर आप लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं या करना चाहते हैं तो लिखिएगा मूव ऑन, बिकॉज यहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे करके, स्लो स्लो करके चेंज हो रही हैं। एंड आप में से कई लोगों के पर्सन बहुत शॉर्टली आप लोगों को यहाँ पर कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत फास्ट, आप बहुत जल्द आप लोगों के पास आने वाला है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लिया है सो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ओके। सो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।